की लिस्ट को, 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को, वो अभी यहाँ से गुजरे, मगर उन्होंने ये नहीं मुनासिब समझा कि ये फैमिली अगर सड़कों पे है तो ये क्यों सड़कों पे बैठी हुई है। आखिर हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यही है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। हम 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज करने की डिमांड कर रहे हैं जो कि मेरिटोरियस कैंडिडेट है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ इतनी बड़ी धांधली क्यों हो रही है। फिर भी हमारी LG साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को जल्द से जल्द जो है वो रिलीज किया जाए। जी मैम, हमें आज यहाँ पे 91 डेज हो गए प्रोटेस्ट को। हम यहाँ पर प्रेस क्लब में थे 91 डेज से, जो रिसेंटली क्या हुआ था गवर्नर सर से मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं अपॉइंटमेंट लेना, वो ये टाल मटोल कर दिया हमें, तो हमें उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली। अब हमने आज दोबारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, हमने सोचा चलो आज यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन गवर्नर साहब पता नहीं क्यों हमें अनदेखा कर रहे हैं। अभी वो यहाँ से रिसेंटली अभी यहाँ से 10 मिनट पहले वो यहाँ से घुसे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों है। कोई पागल तो नहीं होता जो फजूल रोड पे बैठ जाता है, लेट जाता है, क्यों बैठे हैं ये? तो उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि यहाँ पे जाएं, हम देखें क्या बात है। लेकिन फिर भी जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमने आज यहाँ से नहीं उठना है। हमारी 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है, टीचर लिस्ट 2010 की, हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी रिलीज कर दी।